कह रहे होते हैं ना, जी जी उसमें जी। बहुत कुछ है लेकिन हम मुंह से एक ही निकलता है, भाई कर्बला जा रहे हैं। हाँ, कर्बला जा रहे हैं भाई, मौला ने बुला लिया, जिक्र मौला का और नाम कर्बला का, कर्बला का। लेकिन वो नजफ, वो कर्बला शहर का फर्क है, सामरा, बिल्कुल बिल्कुल बगदाद। लेकिन जिक्र यही आता है, जिक्र यही आता है कि हम कर्बला जा रहे हैं और वहाँ के तो आपको फिर लाइव दिखाएंगे हम, कि जो भी हो सका। वहाँ कैमरा नहीं ले आने देते, लेकिन बाहर से जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो नहीं बता सकते, आप खुश हैं ज़ियारतों के वास्ते? क्यों खुश नहीं होंगे, मेरे दिल की ख्वाहिश यही है, आपके साथ आएंगे और आपके साथ ही आएंगे, बस जहन बन गया इंशाल्लाह। आप नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा पूरी फैमिली के साथ है इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया। और आप लोग इतना माशाल्लाह से कोऑपरेटिव हैं, मतलब पूरी फैमिली जो हमारे साथ आई है इनकी, सब माशाल्लाह से बहुत, आबिद भाई बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैं। समझे, मेरे सिलसिला है मेरा आस्ताने का जी, तो मेरे देखने वाले देख रहे हैं तो इंशाल्लाह रेकमेंड कर रहे हैं। हाँ, वो मुझसे मशवरे कर रहे हैं कि भाई कैसा है क्या है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मैं पहले भी आया हूँ लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत आपका शुक्रिया। ये आबिद भाई हमारे साथ और जो कि कराची से आए हुए हैं मेरे साथ, और माशाल्लाह से इनकी पूरी फैमिली है और माशाल्लाह सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो बस मौला इसी तरह ज़ियारतों का सिलसिला जारी रहे। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आगे चलते हैं, आइए इधर से आते हैं, इधर से आ जाए जी। असफर साहब, आप भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। आप ज़ियारतें, मतलब माशाल्लाह से काज़मैन सामरा में मौजूद हैं और काज़मैन की तमाम ज़ियारतें कर ली, मस्जिद बरासा, और इंशाल्लाह अभी यहाँ से हम जो हैं बलद की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ज़ियारतों का सिलसिला और कोई आपको परेशानी? नहीं, माशाल्लाह अभी तक की ज़ियारतें बहुत अच्छी रही हैं और हम लोग अभी माशाल्लाह काज़मैन में बहुत अच्छा स्टे रहा है, बहुत अच्छी हमारी ज़ियारतें रही हैं, उसके बाद आज की जैसे एक्सपेक्ट की थी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे का सफ़र भी इंशाल्लाह इसी तरह से रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये असवर थे जो अपना बता रहे थे, और अब मैं हम्माद से भी कहूँगा कि दो मिनट के लिए आएँ और इस हमारे सफ़र के बारे में जी जो थोड़ा सा कुछ अपना इजहार करें, जो भी फीलिंग्स हैं। तो एक मिनट आप पॉज कर दीजिए फिर। अच्छा सही, बहुत मौजूद हैं आबिद भाई के जो बेटे हैं माशाल्लाह से, वो सिलसिला उनका ज़ियारत का पहली दफ़ा है और माशाल्लाह से इनकी बहुत ही ख्वाहिश थी और मौला इनकी उस ख्वाहिश को आज पूरा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज कर्बला हम पहुंच जाएंगे शाम तक। तो अब आप बताइए जी, आप सिलसिला माशाल्लाह ज़ियारत का कैसा रहा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, हर चीज़ परफेक्ट, हर चीज़ खाने से लेके होटल्स वगैरह ज़ियारत वगैरह, मतलब जैसे हमें तो मतलब एक जाहिर सी बात है ना, तसव्वुर में थी कर्बला, ठीक है, लेकिन इतनी सारी ज़ियारतें नहीं थी जो जो आपने करवाई हमें मस्जिद लेके गए और बाकी जो ज़ियारतें करवाई यहाँ लेकर आए। बाकी ये है, अब एहसन भाई का आप जिक्र कर रहे थे जी, एहसन भाई मतलब हमारे हम लोग जाते मतलब किसी और के साथ, लेकिन अल्लाह ने ऐसा ज़रिया बनाया मेरे भाई की वजह से, मतलब एहसन भाई ना, उन्होंने आपको आपका वो दिया कि आप मतलब ट्रैवल वगैरह करवाते हैं, तो उनकी वजह से माशाल्लाह मतलब नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ ही आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बाकी ये जहन व गुमान में अभी कर्बला ही ये चल रही है इंशाल्लाह, वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत हम जल्द इंशाल्लाह आज पहुँचने वाले हैं। और एहसन जो इनके भाई हैं बड़े, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बस काफ़ी टाइम पहले मुझसे कहा था कि खावर भाई हमें जाना है, तो बस वो सिलसिला हर चीज़ का वक्त है और ज़ियारत का भी एक वक्त है, हम जितनी भी कोशिश कर लें वो हम अपने वक्त पर ही आते हैं जब यहाँ से इज़न होता है। तो ये ज़ियारतों का सिलसिला अभी जारी है इंशाल्लाह, अभी हम यहाँ से बलद जा रहे हैं और बलद के बाद हमारा सिलसिला होगा कर्बला मौला का इंशाल्लाह। आज हम रात को कर्बला पहुँचेंगे इंशाल्लाह, आज से फिर हम आपको कर्बला की भी ज़ियारतों का सिलसिला शुरू करेंगे। ये अय्याम फातिमा का ख़ास पैकेज है जो कि शहादत बीबी फातिमा का है और इसमें ज़ियारतों का सिलसिला जारी रहेगा, आज़ादारी का सिलसिला है, आज़ादारी जो है वो कर्बला में इंशाल्लाह सिलसिला चौथ आज से शुरू हो जाएगा शब में, तो इंशाल्लाह वो सिलसिला आपको जारी रहेगा। आप देखते रहिए कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी कारवान इमाम अल हुज्जा से, थैंक यू।